नमस्कार मध्यान खबर सह मु निवेदिता आरंभ करिबा बुलेटिन हेले प्रथमे हेडलाइंस। ग्राहक बेसरे माड़ बसला क्राइम ब्रांच एसटीएफ जलेश्वर दुई केजी रु अधिक ब्राउन सुगर जबत आनुमानिक मूल्य 2 कोटी टंका तीन जन गिरफ थोड़ा चहर लिक नहीं चली खोलताड़। राज्य में 8000 तौक खसला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 7,739 पॉजिटिव चिन्हट दिनक महामारी है आउ 39 जीवन देश में आउ 1,32,000 नुआ आक्रांत। आज खोल कि टीका ग्लोबल टेंडर कंपनी आग्रह प्रकाश करुनथिबारु केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को चिठी लिखिला राज्य पुणी तारीख घुंचाई पारती सरकार। पुणि रेपो रेट अपरिवर्तित रखिला आरबीआई लगातार षष्ठ थर पर परिवर्तन रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट रहा 3.35%। ढेंकानाल मुक्तापसी पंचायत में एनआरईजीएस दुर्नीतिर अभियोग पुरुणा काम देखा टंका आत्मसात करुछंती विभागीय अधिकारी प्रशासन निकट में बारंबार अभियोग पर भी फलस्वरूप। आसवा संपूर्ण खबर को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बा सीएसआईआर सोसाइटी बैठक में अध्यक्षता करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में सामिल होती प्रत्येक वर्ष यह बैठक अनुष्ठित होता है और ए वैज्ञानिक उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी सामिल होती। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए हमारे लक्ष्य भी वर्तमान से 2 कदम आगे ही होने चाहिए। हमें इस दशक की जरूरतों के साथ ही आने वाले दशकों की तैयारी अभी से करनी होगी। आपदाओं के समाधान की दिशा में भी कोरोना जैसी महामारी आज हमारे सामने है, लेकिन ऐसी ही कई चुनौतियां भविष्य के घर में छिपी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत बड़ी आशंका दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लगातार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी सभी संस्थाओं को भविष्य की इन चुनौतियों के लिए अभी से एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करनी होगी। कार्बन कैप्चर से लेकर के एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज तक हमें हर दिशा में लीड लेनी होगी। साथियों, अभी यहां आप सबकी ओर से इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन को और बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सीएसआईआर की भूमिका इससे भी एक कदम आगे की है। आपको इंडस्ट्री के साथ साथ समाज को भी साथ लेकर चलना होगा। मुझे खुशी है कि मैंने पिछले साल जो सुझाव रखा था, सीएसआईआर ने उसे इंप्लीमेंट करते हुए समाज से संवाद और सुझाव लेना भी शुरू कर दिया है। देश की जरूरतों को केंद्र में रखकर आपके ये प्रयास करोड़ों करोड़ों देशवासियों का भविष्य भी बदल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2016 में देश ने एरोमा मिशन लॉन्च किया था और सीएसआईआर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आज देश के हजारों किसान फ्लोरिकल्चर से अपना भाग्य बदल रहे हैं। हींग जैसी चीज जो हर भारतीय रसोई का सदियों से हिस्सा रही है, भारत हींग के लिए हमेशा दुनिया के और देशों पर आयात पर ही निर्भर रहा है। सीएसआईआर ने इस दिशा में पहल की और आज देश के भीतर ही हींग का उत्पादन शुरू हो गया है। ऐसी कितनी ही संभावनाएं आपकी लैब्स में सच्चाई में बदलती हैं, विकसित होती हैं। कई बार तो आप इतना बड़ा काम कर देते हैं कि सरकार को, मंत्रालय को भी उसकी जानकारी होती, और जब पता चलता है तो हर कोई हतप्रभ हो जाते हैं। इसलिए मेरा एक और सुझाव है आपसे, और मेरा सुझाव है कि आपको आपकी ये सारी जानकारी लोगों के लिए सुलभ बनानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति सीएसआईआर के रिसर्च के बारे में, आपके काम के बारे में सर्च कर सकें, और अगर कोई चाहता है तो उनसे जुड़ भी सके। इस पर भी आप सबने निरंतर जोर देना ही होगा, इससे आपके काम और आपके प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट होगा और समाज में, इंडस्ट्री में एक साइंटिफिक अप्रोच भी बढ़ेगी। साथियों, आज देश आजादी के 75 साल पूरे करने का निकट भविष्य आने वाला है, बहुत ही जल्द हम पहुंच रहे हैं, तो हमें आजादी के 75 साल को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट संकल्पों के साथ, टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के साथ, निश्चित दिशा में रोडमैप के साथ आगे बढ़ना हमारे वर्क कल्चर को बदलने के लिए बहुत काम आएगा। कोरोना के इस संकट ने रफ्तार भले ही कुछ धीमी की है, लेकिन आज भी हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। आज एमएसएमई से लेकर नए नए स्टार्टअप तक, कृषि से लेकर के एजुकेशन सेक्टर, हर क्षेत्र में देश के सामने अनगिनत संभावनाओं का अंबार पड़ा हुआ है। इन संभावनाओं को सिद्ध करने की जिम्मेदारी आप सबको उठानी है, देश के साथ मिलकर इन सपनों को पूरा करना है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी इंडस्ट्री ने जो भूमिका कोरोना के दौरान निभाई है, हमें इसी सफलता को आगे हर क्षेत्र में दोहराना है। मुझे विश्वास है आपकी प्रतिभा और आपकी इंस्टीट्यूशन की परंपरा और आपके परिश्रम से देश इसी गति से नित नए नए लक्ष्य हासिल करेगा और 130 करोड़ से भी अधिक देशवासियों के सपनों को पूरा करेगा। मुझे आप सबके विचारों को सुनने का अवसर मिला, बहुत व्यवहारू बातें आप बता रहे थे, अनुभव के आधार पर बता रहे थे। मैं जरूर चाहूंगा कि जिन जिन के पास इस काम का दायित्व है, आप सब साथियों ने जो सुझाव दिए हैं, जो अपेक्षाएं की हैं, उसको पूरा करने में देर न की जाए, हर चीज को एक साथ मिशन मोड में, मोमेंटम के साथ पूरा करने का प्रयास हो, क्योंकि आखिरकार जब इतना समय देकर के आप सब बैठे हैं तो बहुत उत्तम विचार आना बहुत स्वाभाविक है। और इन मंथन में से जो अमृत निकले, वो जन जन तक पहुंचाने का काम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के द्वारा
लगातार अपग्रेड करते हुए, इम्प्रूवमेंट करते हुए हमने इम्प्लीमेंट करना है। मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तबे बुलेटिन ने खबर आगो को जारी रहबा ले समय एक छोटो ब्रेक रहा। ब्रेक परे स्वागत। बालेश्वर जलेश्वर क्राइम ब्रांच एसटीएफ चढ़ो 2 केजी रु अधिक ब्राउन सुगर जबत कर जबत ब्राउन सुगर आनुमानिक मूल्य 2 कोटी टंका हेबो बोली सूचना मिली। यासो 3 जणक को गिरफ्त कर एसटीएफ ब्राउन सुगर बिकवा को जगिता बेले ग्राहक बेस में माड़ बसला एसटीएफ 3 बेपारी को धराचर लिंक नहीं चली खोलताड़। सेठी आम 2 केजी अच्छा और बाकी जिनस कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाना पड़ो अभी तो बहुत जिनस हमने आप जाना नहीं पड़ो तो 3 लोग अरेस्ट होते हैं तेरह बाकी पाउडर भी कहते सो ह्यूज क्वांटिटी एंड 2 केजी ब्राउन सुगर धरा है 3 लोग अरेस्ट होते हैं और ये हमारे जो लास्ट ईयर जो ड्राइव आरम्भ होता जानस इसमें एवे पर्यंत हमें 32 केजी मिसाई थे पाखापाखी एस टी एफ हुई 32 केजी ब्राउन सुगर हमें सीज कर सकते 100 से बेसी ड्रग फंडर मैंने अरेस्ट होती और हम गांजा फ्रंट भी 66 क्विंटल हमें लास्ट ईयर ड्राइव आरम्भ होती 66 क्विंटल गांजा सीज होती सिंस लास्ट ईयर और ये मात्र एस टी एफ नहीं हमारा ओडिशा पुलिस ये ड्राइव अच्छे प्राय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रो सबूर ये ड्राइव चलू और ह्यूज क्वांटिटी हम ये ड्राइव नार्कोटिक ड्रग्स इलीगल ड्रग्स कोविड कटकणा कुफु सरकार को गाइडलाइन सत्वे चली जानी यात्रा शहश लोके एकाठी होई नियमर उल्लंघन करिवारे लागिछन्ति। नवरंगपुर जिला कोसागुमड़ा ब्लॉक कच्चामाल गांव चली गणपर्व बाली यात्रा शहश लोके रुंट होई नाच गीतरे आसर जमाइछन्ति। पारंपरिक नाच गीतरे मस्कुल थिले समस्ते काहारे मुहरे मास्क नथिला कि नथिला सामाजिक दूरता तबे एते संख्यक लोके जमा हेबा प्रशासन केमिते जानिपारिला नाही ता सबुठारु बड़ प्रश्न। तबे भिडियोटि भाइराल हेबा परे कोडिंगा तहसीलदार शिवप्रसाद पटनायक कोडिंगा थाना अधिकारी सरिता महापात्र गाँव में पहुंचीले नियम को उल्लंघन करथिबारु यात्रा कमिटी ठारु 10,000 टंका जरिमाना आदाय करा दैछे। ए बाबद्रे आलोचना करबा सुमित घंट आम नवरंगपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी तबे सुमित ए जो चित्र सामना को आसुची जे कोविड कटकणा को एठारे बिल्कुल भी खातिर करा जाउनी सबटु बड़ कथा होची जेतेबेले जानी यात्रा को मना करा जायची कटकणा लागिची पूरा राज्य तमाम वर्तमान लॉकडाउन जारी रहिछ यार मधेरे एत्ते लोक समागम बा और प्रशासन जानी परिबोनी ये केमिति संभव वर्तमान सुधा कोन पदक्षेप निया जायची प्रशासन पक्ष रु देखो निवेदिता जदि घटना विषय जदि आम कह गत काली जो जो वीडियो टी पूरा वायरल होता जो कोविड नियम को जो उल्लंघन करी कोविड नियम को किसी ग्रामवासी मानि नथिले एवं सेठारे बाली यात्रा जो करथिले ए नियम टी पूरापूरी से मुहरे मास्क नथिला कि सामाजिक दूरता नथिला से माने आदिवासी गीत पूरा मशगुल हो पड़ते एभली परिस्थिति जो वीडियो टी वायरल होता वायरल हवा पर जो कोडेंगा तहसीलदार थिले एवं जो कोडेंगा थाना अधिकारी थिले से माने पहुंची जो जो कमिटी थिला तांकर जो बालीयात्रा कमिटी ठारु 10,000 टंका जरिमाना आदाय करथिले आउ ई जो वीडियो वायरल रे पूरा पूरी जदि कहिबा वीडियो वायरल विषय जदि कहिबा ई भलिया घटना भी विगत दिन रे गोटे सामना को आसिथिला गोटे यज्ञ जो करा दैथिला अलेख महिबार गोटे यज्ञ करा दैथिला सेठी मध्ये कोविड नियम को पूरा पूरी उल्लंघन करा दैथिला नियति सुमित सुमित 10,000 टंका जरिमाना आदाय करा जायछे ता तो ठीक अछि किंतु आपण जो विजुअल पठाइछन्ते जो वीडियो टी वर्तमान समय रे वायरल होउछि ए चित्र देखिले लागुनी जे एथारे कोविड को निमंत्रण करा जाउछि सामाजिक दूरता जेमति आपण कहथले मास्क तो काम मुहरे नाही
जेतोडे सामाजिक द्रोता कथा को जाउछि एठारे लागे लागे मिले बिसे डांस करछंती तबे बडो कथा होछि 10000 टका बडो कथा नुए किते लोकों को केमते सचेतन करा जिवो काई किना नवरंगपुर रंचोडे एमिति बे किछु लोक रहछंती जे विशेष करी जेंति आपण जानतिबे ग्रामांचोडे लोके सचेतन हे पारनाती जोति पाए वर्तमान ग्रामांचो मुहा हेछि कोरोना प्रशासन रो दायित्व कोन प्रशासन किछु बुझासुदा करिस ना केवल फाइन काटि दे काम सारी देछि निवेदिता जदि आमे कहिबा द्वितीय लहर जो चली कोविड माने कोरोना जो द्वितीय लहर चलती परिस्थिति रे नवरंगपुर जदि आमे कहिबा बहुत सांघातिक परिस्थिति दे गति करुची दिन को दिन संक्रमित संख्या बढ़िवार लगी परिस्थिति रे जो सामना को आसी जो वीडियो टी जो वायरल होती बाली यात्रा करुचंती बाली यात्रा करके सामाजिक दूरता मानि नाहंती मास्क मध्य पिंधि नाहंती सेठी जो ये घटना देखिला परे सबुठारु बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होची जे एठी प्रशासन कोन करुथला एवं प्रशासन केमिति जानि ନଥିଲା ଏତେ ବଡ ଯୋଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ସେଠି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା ତା ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ କଟକଣା ଲଗାଇଛି କୋଟନା କୋଠି ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି ବିନା ମାସ୍କରେ ବିନା ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ 10000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କାଟିଛି ତେବେ ବୁଲେଟିନରେ ଖବର ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ସମୟ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ବୁର୍ଲା ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଟୋ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ଫଳରେ ଅଟୋଟି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଖବର ପାଇ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାପାରି ଛକ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉଭୟ ପଟେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ 8000 ତଳକୁ ଖସିଲା କରୋନାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7729 ପଜିଟିଭ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 4331 ଓ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛି 3398 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1062 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକରୁ ଆଉ 720 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ 449 ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 442 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 426 ଯାଜପୁରରୁ 388 ପୁରୀରୁ 333 ରାୟଗଡ଼ାରୁ 310 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି 68604 କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ପଜିଟିଭ ହାର 11% ଖସିଛି ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 39 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2912କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଦେବଗଡ଼ କଟକ ଓ ବୌଦ୍ଧରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦେଶରେ ଲଗାତାର କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 132364 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି 2713 ଜଣଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେପଟେ 2,07,071 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଲଗାତାର 22 ଦିନରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏଯାବତ 2,97,97,685 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 22,41,09,488 ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲେଣି ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ସାରୁଛୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।